चाइना के सबसे बड़े कटर सक्शन ड्रेजर टियान कुन हाओ ने 3 नवंबर 2017 को चाइना के किडोंग से समंदर में कदम रखा। ये एक घंटे में 35 मीटर की गहराई तक लगभग 6000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद सकता है और ये 15000 क्यूबिक मीटर तक की मिट्टी ढो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन से चाइना समंदर में आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे इस समंदर के हिस्से के साथ लगते चारों देश फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के साथ साथ भारत और अमेरिका भी सकते में आ गए हैं। चलिए जानते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना जहाजों के जरिए लाखों टन मिट्टी फेंक रहा था। पहले ये खबर बाकी देशों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन जैसे जैसे इस मिट्टी ने टापू की शक्ल लेनी शुरू की तो दुनिया के बाकी देश भी सकते में आ गए। चाइना मैन मेड आइलैंड खड़े कर चुका था, ये किसी भी देश की कल्पना से परे था। इन आइलैंड की संख्या एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 है और चाइना ऐसे और भी कई मैन मेड आइलैंड बना रहा है। लेकिन चाइना ये आइलैंड बना क्यों रहा है? आखिर चाइना को इतनी मेहनत करके हासिल क्या होने वाला है और क्यों ये आइलैंड भारत और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं चाइना की वो कैबेज स्ट्रेटजी जिसके जरिए चाइना पूरे साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है। ये है फेरी क्रॉस आइलैंड जिसकी लंबाई है लगभग 1 मील और ये चाइना का मिलिट्री बेस है जहाँ पर रनवे, रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं और इसके साथ ही चाइना के लगभग 200 सोल्जर्स भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन इस आइलैंड के बारे में सबसे अजीब बात ये है कि आज से लगभग 2 साल पहले तक ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसी तरह और 6 आइलैंड्स हैं जो पहले कभी समंदर में थे ही नहीं। इन आइलैंड्स के जरिए चाइना समंदर के एक अहम हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इस हिस्से का नाम है साउथ चाइना सी। समंदर का ये हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफ़ी रिच है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 11 बिलियन बैरल तेल है तो वहीं 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है और दुनिया का 10% मछली भंडार भी समंदर के इसी हिस्से में है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो ये है कि दुनिया का 30% व्यापार साउथ चाइना सी से होकर ही गुजरता है। साउथ एशिया सी के साथ 5 देशों की सीमा लगती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक हर देश की सीमा उनकी तटों से समंदर के 200 मील तक होती हैं, जिसे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी अगर किसी देश के 200 मील की सीमा के भीतर कोई ऑयल भंडार मिलता है तो उस पर हक उसी देश का होगा, लेकिन जो एरिया सभी देशों की EEZ से बाहर होता है उसे इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है और UN मेरीटाइम लॉ के मुताबिक इस हिस्से पर सबका हक होता है। साउथ चाइना सी के साथ लगते सभी देश अपने EEZ में रहते हैं लेकिन चाइना को ये मंजूर नहीं। चाइना का कहना है कि समंदर के इस हिस्से पर उसका अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान जो पूरे रीजन को कंट्रोल करता था उसने साथ लगते सभी समंदरों से अपना कंट्रोल खो दिया। बस तभी चाइना ने 15वीं सदी की 9-डैश लाइन को जीवंत कर दिया जिसके अनुसार साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा चाइना का है। और जब UN ने 1973 में EEZ को 200 मील तक रखने का लॉ पास किया तो चाइना ने इसे मानने से मना कर दिया। चाइना ने अपनी खींची हुई 9-डैश लाइन के साथ जाने का फैसला किया और साउथ चाइना सी पर बाकी देशों के अधिकार को मानने से मना कर दिया। चाइना के बनाए सभी आइलैंड जिस जगह पर हैं उसे स्प्रेटली आइलैंड कहा जाता है। ये साउथ चाइना सी का दिल है। यहाँ और भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना के अलावा वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया अपना क्लेम करते हैं। सभी देशों ने इन आइलैंड्स पर अपना अधिकार कायम रखने के लिए यहाँ इमारतें और पोर्ट बना दिए हैं और कई देशों ने तो अपने कुछ लोग भी निगरानी के लिए यहाँ बैठा दिए हैं। लेकिन चाइना के यहाँ मैन मेड आइलैंड्स बनाने के बाद से ही ये मुद्दा गर्मा गया है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि चाइना अपनी ताकत के बल पर समंदर के इस हिस्से को हथियाना चाहता है ताकि वो पूरे रीजन पर कंट्रोल कर पाए। इसके बाद से ही अमेरिका ने यहाँ हस्तक्षेप करना शुरू किया और साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने शिप्स भेजे, लेकिन चाइना ने इसे हल्के में नहीं लिया और जैसे ही अमेरिकी नौसेना के शिप्स
स्प्रेटली आइलैंड्स के पास पहुंचे तो चाइना ने अपने डिस्ट्रॉयर वार्निंग के साथ अमेरिकी नौसेना के पीछे लगा दिए, जिससे अमेरिकी नौसेना को पीछे हटना पड़ा। इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए चाइना एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इस स्ट्रेटजी का नाम है कैबेज स्ट्रेटजी। इसके जरिए चाइना स्प्रेटली आइलैंड में ज्यादा से ज्यादा शिप्स और डिस्ट्रॉयर रखता है, ताकि बाकी देशों को डर के माहौल में रखा जा सके। स्प्रेटली आइलैंड्स में बने मैनमेड आइलैंड्स पर चाइना ने अपने नेवल बेसेस बनाने भी शुरू कर दिए हैं, ताकि वहां पर और शिप्स डिप्लॉय किए जा सके। क्योंकि चाइना का मानना है कि जितने ज्यादा शिप्स और सेना होगी, उतनी जल्दी वो इस रीजन पर कंट्रोल कर पाएगा। यही नहीं, चाइना ने इस रीजन के एयर स्पेस को भी अपना घोषित कर दिया है। यानी अगर साउथ चाइना सी के ऊपर से किसी को उड़ान भरनी है तो उसके लिए उसे चाइना से परमिशन लेनी होगी। लेकिन भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत का ज्यादातर समुद्री व्यापार साउथ चाइना सी से होकर ही गुजरता है। इसीलिए भारत ने आसियान समिट में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, जहां पर आसियान मेंबर देशों में साउथ चाइना सी के साथ लगते देश भी मेंबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात और आसियान समिट में उनके दिए भाषण की वो पंक्तियां, जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने सिर्फ देना सीखा है और बाकी देशों ने महज छीनना सीखा है, ये सभी उसी ओर इशारा कर रही है। लेकिन चाइना से बाकी सभी छोटे देश डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ड्रैगन उन पर कब्जा ना कर ले। लेकिन भारत ने चाइना के इस दबदबे के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब एशिया पैसिफिक को हिंद पैसिफिक कहकर पुकारने लगा है। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका भी इस मुद्दे से हाथ खींचता नजर आ रहा है। वो ना तो चाइना से सीधा टक्कर लेना चाहता है, और ना ही वो ये चाहता है कि चाइना छोटे देशों को धमकाए। शायद इसीलिए अमेरिकी नौसेना के शिप्स अभी भी साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और उनके लड़ाकू विमान अभी भी चाइना के उसी क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, जिसे चाइना ने अपना घोषित कर दिया है। खैर, अभी स्थिति शांत है, लेकिन हर देश अपनी मिसाइलें तैनात कर युद्ध के लिए भी तैयार बैठा है।